क्या आप भी सफेद हो रहे हैं, बालों से परेशान हो चुके हैं और किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं दोस्तों जो आपके बालों को झड़ने से बचा दे बालों को लंबे समय तक काला बना कर रखे बालों को घना बनाकर रखे प्री नेचर ग्रे हेयर की समस्या को समाप्त कर दे तो आज मैं आपके लिए बस वही रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी हेयर थीनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ही समाप्त होगी बनाना आसान लगाना आसान और रिजल्ट आपको मिलने वाला है यहां पर 100% परसेंट सभी उम्र वाले इस रेमेडी का इस्तेमाल करें यहां पर मैं सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर रही हूं जो आपके बालों की जड़ों को स्ट्रांग बनाएंगी और हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी ये एक ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है दोस्तों जिसे कि एलोवेरा ग्वारपाठा धृत कुमारी कई नामों से जाना जाता है और सालों से इसका इस्तेमाल किया आता जा रहा है विटामिन सी से भरपूर होने के कारण एलोवेरा हमारे स्केल्प को हेल्दी बनाता है इसमें इतना ज़्यादा विटामिन ई e होता है इसलिए ये हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है तो यहां पर मैंने एलोवेरा की पत्तियों को धो लिया है थोड़ी देर काटने के बाद मैंने खड़ा करके रखा था वॉश किया है पोछ लिया है इसके बाद इसके एजेस रिमूव कर रही हूं एलोवेरा का इस्तेमाल इसके ऊपर की स्किन सहित भी किया जाता है या केवल जेल निकाल कर भी कर सकते हैं दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे एलोवेरा का इस्तेमाल करना है पर आपको बाजार वाले केमिकल वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ना करें टाइम नहीं मिलता ना तो केवल एक एलोवेरा की पत्ती को लीजिए पूरे स्केल पर लगा लीजिए पूरे बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक डायरेक्ट इस पत्ती को लीजिए और लगा लीजिए आप देखिए इतना ही काफी है आपके बालों में जो चमक आएगी जो शाइन आएगी आपके बालों के टेक्चर को इंप्रूव करता है एलोवेरा कमजोर बालों को मजबूत बनाता है नए बालों को उगाने में मदद करता है एलोवेरा इसीलिए तो आज भी हम लोग पुराने समय से लेकर आज भी हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं 100 परसेंट प्योर है ये जेल इसमें किसी तरह का कोई केमिकल किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है बाजार वाला जेल बिल्कुल भी नहीं लेना अगली चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों वो है कर्ड दही दही अच्छा एक कटोरी भर कर दही लीजिए सप्ताह में एक बार दही का हेयर पैक एलोविरा जेल मिलाकर जरूर लगाइए देखिए कैसे नहीं हेयर फॉल कंट्रोल में आता है आपके बालों में जो मजबूती आएगी ना दोस्तों बालों की जड़ों को नरिश करता है दही एलोविरा मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर चुनकर लिया है ताकि आपको इसका 100% रिजल्ट मिल सके बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है दही को यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है अगली चीज़ जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो है शुद्ध जेल ये जेल सभी उम्र वाले लगा सकते हैं हंड्रेड परसेंट ये प्योर जेल है आप जरूर इस्तेमाल करें वीक में एक बार अपने स्कैल्प को हेल्दी बनाने की कोशिश करें बालों में आजकल हम लोग तेल नहीं लगाते हम सबको सूखे बाल अच्छे लगते इसीलिए तो हेयर फॉल बढ़ गया है उम्र से पहले बाल क्यों सफ़ेद होने लगे हैं इसका कारण है हमारे बालों की जड़ों को अच्छे से पोषण नहीं मिलना पहले हमने खुद ने अपनी दादी नानी को देखा है एक उम्र होती थी ना सत्तर साल पैंसठ साल सत्तर साल तब बाल सफेद हुआ करते आजकल पैंतीस साल चालीस साल के हो रहे हैं फोर्टी ईयर बाल सफेद होने लगे मेथी का इस्तेमाल बालों के लिए किसी न किसी रूप में जरूर करें फेन्यूग्रिक सीड्स हमारे सेहत हमारे सौंदर्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है यहाँ पर कुछ मेथी को पीस कर मैंने पाउडर बनाकर घर पर रखा है आप चाहें तो बाजार से बना हुआ मेथी का पाउडर फेनुग्रिक सीड पाउडर भी ले सकते हैं दही एलोवेरा जेल दो बड़ा चम्मच मेथी पाउडर डाला है हाँ एक चम्मच नारियल का तेल डालना बिल्कुल भी ना भूलें इस बहाने आपके स्कैल्प में हाइड्रेशन मिलेगा मॉइस्चराइज होगा आपका स्कैल्प और आपके स्कैल्प से ड्राइनेस सूखेपन की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी मैंने सारे चारों स्टार इंग्रेडिएंट को चुनकर लिया है यहाँ पर एलोविरा बालों की जड़ों को पोषण देगा नारियल का तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा दही में होता है प्रोटीन आप लोग ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हैं कितने सारे ट्रीटमेंट लेते हैं दही में विटामिन सी होता है विटामिन डी होता है प्रोटीन से भरपूर होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण एलोवेरा हमारे स्कैल्प से ड्राइनेस की समस्या को दूर करेगा हमारे स्कैल्प से रूसी की समस्या को दूर करेगा मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है पोटेशियम होने के कारण इसके एप्लीकेशन से प्री नेचर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी एक क्लीन बोल ले लिया है इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और ये हमारा एक ऐसा जादुई पैक बनकर तैयार हुआ है दोस्तों जिसका इस्तेमाल सभी उम्र वाले करें आधे घंटे से लगा कर रखें साथ ही साथ ये सभी तरह के बालों को सूट करता है इसके बाद अगर तेल नहीं लगाएंगे ना तो भी चल जाएगा क्योंकि इसमें इतना अच्छा मैंने मॉइस्चर इसमें तैयार किया है आपके लिए अब इसे आपको लगाना है कॉटन से लगाएं, हाथों से लगाएं, ब्रश से लगाएं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आपको इसे लगाना है देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा केयर करिए हम लोग बालों की केयर नहीं करते हैं सिर्फ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं कि बाल खुले खुले अच्छे दिखें हम लोग के पर शैम्पू में कितने केमिकल होते हैं कम क्वांटिटी का लीजिए ज़्यादा शैम्पू ना लें शैम्पू को हमेशा पतला करके लें डाइल्यूट करके लें आप देखिए हेयर फॉल कैसे कंट्रोल में नहीं आएगा मैं खुद आज 58 ईयर की हो चुकी हूँ दोस्तों इतनी उम्र में भी मेरे बालों में कालापन है मेरे बाल सफ़ेद नहीं हैं आठ दस बाल सफ़ेद हैं फिफ्टी एट ईयर के बाद भी इस तरह से पूरे स्कैल्प पर लगाइए ये इतना अच्छा जादुई पैक है ना दोस्तों जो आपको आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा लंबे समय तक जमा बने रहेंगे दोस्तों कमज़ोर बाल जो है ना वो मजबूत होंगे तभी तो हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा इस तरह से धीरे धीरे ब्रश की सहायता से रूई की सहायता से जैसा आपको अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा लेते जाना है पैक को आराम से लगाइए इसे ताकि सारी रूट्स को इतना अच्छा नरिशमेंट मिल सके हेयर फॉल बालों का गिरना बिल्कुल ही रुकेगा आधे घंटे लगाइए फिर हेयर वॉश करिए जो रिज़ल्ट मिलेगा वो शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे पता है दोस्तों रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है साथ ही मेरा यूट्यूब परिवार मुझे एक कमेंट जरूर करे मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैठ देख रहे हैं कमेंट में मुझे आपका नाम चाहिए आपके शहर का भी नाम लिखे ताकि जब मैं कल अगला वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो में आपको थैंक्स बोलने के लिए धन्यवाद बोलने के लिए आपका नाम अनाउंस कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है धानवी पवार को तो मुझे शहर का भी नाम लिखे ताकि मैं शहर का भी नाम अनाउंस कर सकूं। तो थैंक यू सो मच धानवी जी और इस रेमेडी को इस पैक को लगाइए लंबाई पर भी लगाइए दोस्तों आप देखिएगा बालों में इतनी बढ़िया हाँ चमक आएगी ना शाइन आएगी आप लोग खुश हो जाएंगे दोस्तों आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी सिर की खुजली डेंड्रफ रूसी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही हट जाएंगी तो मेरे कहने से सप्ताह में एक बार इस जादुई पैक को लगाइए दोस्तों अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा साथ ही साथ मेरा YouTube परिवार जो मेरे वीडियो को देख रहा है दोस्तों मेरा वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो मेरी मेहनत आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करें